तो काजल तुमने ना 2500 फॉलोअर्स पार कर दिया 2.5 के। सच्ची लव दिखाओ फोन दो आपको एक बार खिलाऊंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो अभी रात के बज चुके हैं 8 और ब्लॉग बहुत देर से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आज क्या हुआ कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता चला। सुबह से आज मैं ब्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाया एंड भाई साहब को मैं स्कूल छोड़ने के बाद सुबह से रुक गया मैं डीके क्या और डीके यहाँ फिर लैपटॉप में गेम खेलते 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 4 बजा दिए। और जब 4 बज गए, नहीं 3 बज गए, 3 बजे इनको लेने गया एंड फिर इनको छोड़ के तुरंत गया वापस, फिर गेम खेला थोड़ी देर एंड जिम जिम से आया मैं लगभग 6:30 बजे के आसपास और अभी आ चुका हूँ घर पे। इनका और इनका दोनों लोग का आई थिंक कोई परफॉर्मेंस होना है रिपब्लिक डे पे। आपका कोई परफॉर्मेंस है? कौन सा? किसी का नहीं। किसी का भी नहीं है? और तुम्हारा? पता नहीं अभी। अभी कुछ पता ही नहीं है? तो गाइस ना इन्हें पता है ना इन्हें पता है, दोनों लोग को कुछ भी नहीं पता है। तो गाइस अभी टाइम हो गया है रात के 8:30 और आप सभी ने इतना ज्यादा प्यार दिखाया है। आज मैं सीरियसली बहुत ज्यादा खुश हूँ, आप सब ने इतना ज्यादा प्यार दिखाया, इतना सपोर्ट कर दिया कि हम सब ने कुछ ही दिनों में 2500 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर पूरे नहीं किए हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच आपके इतने ज्यादा सपोर्ट के लिए कि आपने काजल को 2500 से भी ज्यादा फॉलोअर्स दिला दिए इंस्टा पे। उस दिन जब मैंने काजल के लिए वीडियो बनाई थी उस पर मेरे वीक में सबसे ज्यादा उसी वीडियो पे व्यू गया 101 व्यू गया और काजल ने पार कर दिए हैं टोटल 2500 समथिंग फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो यार सबको थैंक यू जो गए थे यहाँ से, लगभग 10-15 लोग यहाँ से गए थे उस दिन और उस दिन उसके 100 फॉलोअर लगभग बढ़े थे जिस दिन मैंने वीडियो में प्रमोट किया था, जिस दिन वीडियो पब्लिश हुई थी। एंड गाइस सुबह से कंट्रोवर्सी में लगे मेरे साथ। तो आखिर भाई हुआ क्या बता दो, हुआ क्या है? आप मेरे से कुछ कहते नहीं और मेरे को गेम खिलाने चलते हो। तो इसके लिए आप मुझसे कंट्रोवर्सी करोगे? भाई अनएक्सपेक्टेड चीजें आज ही की हैं मेरे साथ, मतलब मारपीट हो गई मेरी। क्या हुआ? पिज्जा खाने का मन कर रहा है। हैं? पिज्जा खाने का। अभी तक भाई कंट्रोवर्सी थी और अब पिज्जा खाने का मन हो रहा है। मैं क्यों खिलाऊं पिज्जा? दीदी से बोलो ना, दीदी का 2500 फॉलोअर पूरे हो गए। 2500 कितना होता पता है? हाँ। कितना होता है? 2500। हाँ। 500। ओ अभी सुन लिया था ना मैं बोला था। नहीं। हाँ जानते हो हिंदी में सारी काउंटिंग आती है? नहीं। अच्छा वो 30 तक आती है, उसके बाद भी आती है थोड़ी। और लाली पता है वो क्या की 31 35 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 किसी को भी नहीं आती है इन लोग में, ना लाली को, ना दिव्या को, ना काजल को, ना यश को, ना डीके को। हिंदी की किसी को गिनती ही नहीं आती, मतलब काउंटिंग कर ही नहीं पाते। 1 2 कर लेंगे, 1 2 नहीं कर पाएंगे। हालांकि करना आना चाहिए यार। क्यों नहीं आती है? क्योंकि मैम ने सिखाया नहीं, राइट? कोई ना। तो पिज्जा कौन खिलाया तुमको बताओ? तो चलिए फिर काल दीदी से बोलते हैं। चलो चले। वेट पहले भी अभी नहीं, अभी रूम में बुला के करते हैं, ठीक है? तो गाइस क्या कर रही थी? खाना खा रही भाई साहब, खाना खा रही हूँ, भुखड़ दिन रात खाना खाया करती है। तो भाई साहब, तो काजल तुमने ना 2500 फॉलोअर्स पार कर दिया 2.5 के। सच्ची लव दिखाओ फोन दो आपको एक बार खिलाऊंगी। पिज्जा पहले है ना? हाँ, पिज्जा तो नहीं खिला सकती पर मेरे पास ट्रॉफी है तो खा लो यही। तो गाइस भैया इतनी सस्ती पार्टी? हाँ। ओए मतलब 1 रुपए की ट्रॉफी खिला रही है। एंड गाइस अभी 600 होने वाले हैं। 2600 दिखाना इधर मुझे। तो गाइस आप ये देख सकते हैं इनके काजल क्यूटी आईडी है, फिर से लिंक दे दूंगा तो फॉलो कर लीजिएगा। 2573 कंग्रेचुलेशन काजल। थैंक यू। तो भैया आपके तो जलवे हैं या मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो रहे हैं? जा भुक्कड़ खा लो खाना। गाइस दिन भर खाना ही खा रहे हैं। गाइस ये है इनका अकाउंट जो कि है काजल क्यूटी के नाम से। तो पूरे इसमें डिटेल, नोबडी ऑन द अर्थ कैन इवन लव योर मोर देन योर पेरेंट्स सपोर्ट मी एवरी वन। वो तो कर ही रहे हैं। अकाउंट हैंडल बाय प्रतीक पांडे। यस मैं ही हैंडल करता हूँ इनका अकाउंट और मैं अपना इसमें लॉग इन करता हूँ। एंड बता देना इनके ना, ये देखिए गाइस इतना व्यू मेरा आज तक कभी नहीं गया 10.4K जो कि 3 दिन पहले की रील है। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग खाना खा रहे हैं और आज बनी मस्त तहरी। मैंने तो भाई पहले ही खाना खा लिया और साथ में चल रही है वॉगले की दुनिया, इन तीनों के फेवरेट प्रोग्राम में से एक। तो गाइस अभी मैंने मस्त मेलोडी खा ली है टॉफी जो काजल ने दी, और ये टॉफी ना और ज़्यादा चॉकलेटी लगी क्योंकि खुशी में खा रहा हूँ ना, काजल के इतने ज़्यादा फॉलोअर हो गए हैं, थोड़ी सी जलन हो रही कि इतने ज़्यादा इसके फॉलोअर हैं मेरे इंस्टा
और यूट्यूब दोनों मिला के नहीं होंगे पूरे मेरे, क्या मेरे डीके यश लाली सबके मिला तो अभी नहीं होंगे। और संस्कारी लड़का तो खाना खा रहा है तो मंदिर मुझे बंद करनी पड़ेगी। लीजिए पूरे संस्कार के साथ आशीर्वाद एंड लाइट्स ऑफ। तो मंदिर को मैंने कर दिया बंद पूरे संस्कारों के साथ। एंड गाइस कल खाना खा ले उसके बाद उनके फॉलोअर्स से और ज़्यादा मतलब पूछेंगे किन किन को मैं जानती हूँ। और पर्सनली आज मैं मतलब उनके साथ बैठ के 5 लोग को रिप्लाई करवाऊंगा क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट में 100 से ज़्यादा रिक्वेस्टें पड़ी हुई हैं जो कि दिख के यार बड़ा अच्छा लग रहा है। तो गाइस फाइनली काजल आ चुके हैं और काजल से अब फाइनली हम लोग मैसेज रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में जाके 1-5 नहीं लेकिन 1 या 2 लोग को रिप्लाई करवाते हैं। तुम्हारे लिए 100 से भी ज़्यादा लोगों ने मैसेज किया तुम्हारे इंस्टाग्राम पे और जो रिक्वेस्ट में पड़ा होता है, रिक्वेस्ट सेक्शन होता है एक जैसे कहते नहीं डायरेक्ट मैसेज DM, तो वो होता है ये रिक्वेस्ट सिस्टम पे, मतलब रिक्वेस्ट लिस्ट में देखो कितने लोग पड़े हुए हैं 225+। अरे भाई ये क्या हो गया, हाँ ये देखो बस ऐसे देखते जाओ। और इनके फॉलोअर्स देख रहे हैं 11 के फॉलोअर्स हैं जो मतलब ये देखें 11 के फॉलोअर्स हैं जिन्होंने ये देखें ये देखो ये 11 के फॉलोअर्स हैं इनके जिन्होंने मुझे मतलब ये देखो हाँ क्या हाँ 1,818 फॉलोअर हैं। तो गाइस चलिए सबसे पहले वाले को हम लोग मैसेज कर देते हैं, कोई सैड करके हैं तो इनको चलिए एक्सेप्ट करते हैं। तो काजल हेलो ने कहा इनको हाय बोल लो, हाय HII इस पहले बतानी पड़ रही है। एंड गाइस फाइनली इनको हमने रिप्लाई कर दिया है तो ये कितने लकी हैं कि काजल से इन्होंने रिप्लाई पाए हैं। वाओ सीरियसली क्या बात है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, आपकी फैन फॉलोइंग हो रही है एक तरीके से। सीरियसली मतलब 250 रिक्वेस्टें पड़ी हुई हैं अब तक, मैं 4 से 5 रिक्वेस्ट वो भी तुरंत एक्सेप्ट हो जाती है। एंड भाई कितने ज़्यादा लोग हैं, लिटरली कितने ज़्यादा लोग हैं ये देखिए 250 से भी ज़्यादा रिक्वेस्ट पड़ी हुई है। कहाँ निशा, अरे अब सबको थोड़ी ना रिप्लाई करेंगे, बहुत हुआ। तो गाइस एक ही को हमने रिप्लाई किया और एक और जस्ट तुरंत एक और आ गई तो बस इनसे हाई हो गई, अब इससे आगे इनसे बात होगी नहीं, बस चैलेंज था पूरा हो गया। गाइस थंबनेल के लिए कपड़े उपड़े चेंज हो रहे हैं कि थंबनेल पे अच्छी फोटो आनी चाहिए। भाई साहब ये देखो ये वाली उतार के टांग दी, बोल रही अच्छे दिखने चाहिए थंबनेल में, लेकिन ये चोटियों का क्या करोगे, ओ माय गॉड। तो गाइस चलिए थंबनेल ले लेते हैं कल का मस्त। आफ्टर स्कूल वाले काम पे लग गए हैं, चाहे स्कूल से हों या कहीं और से। भाई ये तुरंत ये पता नहीं क्या एडिक्टेड हो गए हैं वाले गेम के। कौन सा गेम है ये नहीं बता सकता है पता नहीं कौन सा भाई, ट्रेन का गेम है। जब भी पूछो क्यों खेलते हो तो मुझे लोको पायलट बनना है इसलिए खेलते हैं। लोको पायलट के लिए पढ़ना पड़ता है, इनको IPS बनना है तो इन्हें पढ़ना पड़ेगा ना, कि ये रील बनाएगी तो बन जाएंगी, जो रील बना के हीरोइन बन रही है ये। तुम भी पढ़ो, मेरा ट्रेन छोड़ नहीं पढ़ रहा इनको कोई। तो गाइस आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो मिलते हैं कल एक नए दिन एक नए ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।